السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين नफ़कीन में एक नए सब्जेक्ट के साथ आप तमाम का मैं खैर मुकदम करता हूँ एक अहम किताब अदबुलमुरद को तो हम और पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह लेकिन किताब पढ़ने से पहले एक मुख्तर तारुफ इस मौजू का इस टॉपिक का फिर इस किताब का और उसके बाद इस किताब के मौलिफ और राइटर का जो किताब हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अल अदबुल मुफरज सवाल यह है कि अदब कहते किसको इसका क्या मतलब होता है अदब की बहुत सारी तारीफ़ और डिफनेशन पहले इल्म ने किया उन तमाम का लुब लुबाम खुलासा ये निकलता है कि किसी भी काम को अंजाम देने के लिए खसूसी एहतमाम करना उसे सलीके के साथ अहसन अंदाज में अंजाम देने की कोशिश करना इसका नाम अदब किसी भी हुक्म को किसी भी काम को हमें अंजाम देना उस पर अमल करना तो उसको अमल में लाते वक्त उसको अंजाम देते वक्त खसूस एहतमाम करना बहुत सलीके से उसको अमल में लाना तो ये काम अच्छा से अच्छा हो जाए बेहतर से बेहतर हो जाए तो कहते हैं ये आसन तरीक़े से करने की कोशिश सलीके से करने की कोशिश खूसी एहतमाम से करने की कोशिश इसका नाम है अदब अरबी जबान में एक लफ्ज़ आता है मदबा मदब वलीमा को कहते हैं घर में खाना बनता है लोग खाते हैं वो इंसान की जरूरत है लेकिन वलीमा आप जानते हैं उसके लिए खसूसी एहतमाम होता है हर खाने को वलीमा नहीं बोलते और मेहमानों को सलीके से खिलाया जाता है तो उसको मादबा का नाम दिया गया मादबा तो अदब का ये मफहूम सामने आया कि किसी भी काम को खसूसी अहमाम के साथ सलीके से अंजाम देना ये अदब है आप जबान के बारे में पढ़ते होंगे उर्दू अदब है अरबी अदब है अंग्रेजी अदब है उसी के लिटरेचर बोलते हैं तो हर तहरीर अदब में नहीं आती कि हमने जो कुछ लिख दिया वो अदब कहलाए बल्कि जिसको लिखते वक्त बड़े एहतमाम से लिखा गया हो बड़े सलीके से लिखा गया हो उसको कहते हैं ये अरबी अदब का हिस्सा है ये उर्दू अदब का हिस्सा है कलाम में इसको अदब कहते हैं इसीलिए बाल लोगों ने अदब के बारे में कहा हर वो चीज़ जो इंसान की तबीयत पर असर अंदाज़ हो जाए वो अदब हर वो चीज़ जो इंसान की तबीयत को मुतासर कर सके अपनी छाप छोड़ सके तो उसका नाम होगा अदब इन्हीं मफाहिम को जो मैंने आपके सामने रखा उसको समझने के लिए चंद मिसाले मैं आपको देता हूं अल्लाह ताला ने ते हु दिया है कि वाले के साथ अच्छा बर्ताव करें ये हुक्म एक, हुक एक आर्डर है अब हमें इस पर अमल करना है तो एक तो है कि किसी भी तरीके से उनका खाना उनका पीना उनका रहना उसका बंदोबस्त हो जाए लेकिन एक है कि बड़े अहतमाम के साथ सलीके से फिक्र के साथ तमाम चीज़ों का ख़्याल रखते हुए उनका उनके साथ उसने सलूक करना उनका ख़्याल रखना हुक्म वही है कि उनको उनके साथ बेहतर सलूक होना चाहिए उनकी खिदमत होनी चाहिए ये अल्लाह का हुक्म है तो उनकी खिदमत उनकी जरूरत को हमने पूरी कर दिया हो गई खिदमत लेकिन एक बड़े प्यार के साथ बड़े अदब के साथ बड़े एहतराम के साथ उन्हीं ज़रूरत को पूरी करना है और ऐसी कोई चीज ना आने पाए कि जरूरत पूरी करते करते हमारी जबान से कुछ और निकल जाए ऐसा कि जिसकी वजह से लगे कि ये काम करते हुए हमें अच्छा नहीं लग रहा है ये अगर इस तरह के जुमला जरूरत तो पूरी कर रहे हैं लेकिन साथ में नागवारी के इजहार के लिए कोई लफ्ज निकल जाता है यार हमारा अंदाज बदल जाता है तो फिर वो अदब नहीं हुक्म पर अमल तो हो रहा है लेकिन अदब क्योंकि उसको एहतमाम के साथ सलीके के साथ नहीं किया जा रहा है। तो अगर एहतमाम के साथ सलीके के साथ एहतराम के साथ वालदेन की हम खिदमत करें तो अल्लाह का एक हुक्म भी पूरा हो रहा है और अदब के साथ पूरा हो रहा है ऐसे ही पड़ोसियों के कुछ हकूक़ हैं उनकी अदायगी का मामला है, हम अदा कर देंगे लेकिन एक में खुशी खुशी सलीके के साथ हम करते हैं एहतमाम के साथ करते हैं और दूसरी में बस यूं ही पड़ोसी है तो करना ही पड़ेगा दोनों में फर्क है तो हमें अदब जब हम खीतमाम के साथ सलीके के साथ खुशगवारी ख, खुशगवार मूड में अच्छे अंदाज उस चीज को अंजाम देते हैं तो इसकी वजह से सामने वाले की जरूरत भी पूरी होती है और उसके उसके ऊपर हम अपना असर डालते हैं तो हमसे मुतासर हो जाता है तो जो चीज वही उन्होंने कहा कुल्लु शीन हर वो चीज जो तबीयत पर इंसान की तबियत पर असरअंदाज हो जाए मुतासिर कर दे कि वो आपको आपका गिरविदा हो जाए आपको पसंद करने लगे तो इसका मतलब आपने अदब का मुजाहरा किया है मैं समझता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी कि किसी भी काम को करने के लिए खसूसी अहतमाम और सलीके के साथ उस काम को अंजाम दें उस आर्डर पर अमल करें ये अदब है और आर्डर पर अमल किए लेकिन खसूसी अहतमाम नहीं आर्डर पर अमल किए लेकिन सलीके से नहीं तो हुक्म पर अमल तो हो गया लेकिन अदब नहीं हुआ और हमें अदब चाहिए एक तलबिल में घर वालों ने कहा पढ़ना है स्कूल वालों ने भी कहा पढ़ना पढ़ता है लेकिन बस पढ़ता ही है और दूसरा है कि तमाम चीजें बड़े एहतमाम के साथ अपनी कॉपी है अपने बुक्स से हैं और दिग्गर चीजें हैं बड़े एहतमाम के साथ रखता है उठाता है लेके जाता है लाता है होमवर्क वक्त से कर रहा है और एक को कहना पड़ता है डांटना पड़ता है ये काम करो फर्क है दोनों में हाँ तो जो खुद ये एहतमाम कर रहा है खसूसी तवज्जो दे रहा है अपनी तालीम पर और सलीके से हासिल करने की कोशिश कर रहा है तो वो क्या है वो अदब के साथ अंजाम दे रहा है तो हुक्म पर अमल करना है सलीके के साथ और जो है खसूसी एहतमाम के साथ इसका नाम क्या होगा अदब हमारी किताब का जो नाम है अल अदबुलफरज और लोगों ने और कुछ तारीफात की हैं। लिसानुल अरब एक किताब है लगत की डिक्शनरी की अरबी जबान में बहुत मारूफ़ किताब है उसके अंदर भी अदब की तारीफ की आप लोग बोर नहीं होइएगा कोई बात हो तो पूछिएगा कि ये सब क्या क्या बोल रहे हैं आप मैं खुलासा पहले पेश कर दिया हूँ उन्होंने अदब को थोड़ा सा और मनज़म किया उसके मफहूम को और वाजे किया कहते अदब वो चीज़ है जिसके ज़रिया से लोगों को अच्छाइयों की तरफ बुलाया जाए और बुराइयों से रोका जाए अदब वो चीज़ है जिसके दरिया से लोगों को अच्छाइयों की तरफ बुलाया जाए और बुराइयों से रोका जाए अदब वो चीज है जिसके दरिया से लोगों को अच्छाइयों की तरफ बुलाया जाए और बुराइयों से रोका जाए क्या तारीफ किया उन्होंने कोई रिपीट करें अच्छाई की तरफ बुलाया जाए और बुराई से रोका जाए इस तारीफ को आप सामने रखें इसमें दो पहलू हैं। एक अच्छाइयों की तरफ बुलाना है और दूसरा बुराइयों से रोकना भी यानी ये काम करते वक्त इन चीजों का अहतमाम करना है और इन चीजों से बचना भी है दोनों पहलू होना चाहिए मुस्बत और मनफी दोनों यानी निगेटिव भी होना चाहिए और पॉजिटिव दोनों पर ध्यान देना है तब जा करके वो चीजें मुकम्मल होती तो उन्होंने तारीफ किया कि अदब एक ऐसी चीज जिसके जरिए से नेकियों की तरफ खैर की चीजें पसंदीदा चीजों की दावत दी जाती बुलाया जाता है लोगों को और नापसंदीदा चीजों को से रोका जाता है बुराइयों से रोका जाता है इस तारीफ की रोशनी में देखें तो हमारा जो दीन है पूरा का पूरा क्या है अदब पूरा का पूरा दीन है अदब यही सलीका सिखाया जा रहा है कि हमें जिंदगी तो गुजारना ही गुजारना है, लेकिन कैसे अच्छे से इन चीजों को करना है और इन चीजों को नहीं करना है और आप देखेंगे जब किताब हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो इसमें यह चीज बार बार आएगी कि एक बाब कायम किया गया मान लो वाले के हुकूक से मुतालिक तो उसमें यह बताया जाएगा कि वालदे के साथ अच्छा बर्ताव हमको करना है तो इन इन चीजों का ख्याल रखते हुए करना है और इन इन चीजों से बचते हुए करना है दोनों चीजें आएंगी इसीलिए मैंने कहा कि इन्होंने अदब के दायरे को थोड़ा और वसी कर दिया और इस तारीफ के एतबार से हमारा पूरा दीन अदब बन गया मैंने दो तारीफ की है कौन रिपीट करेगा पहली जिस पर लोगों की तवज्जो कम रही जी अमल करते वक्त हाँ एहतमाम के साथ खसूसी एहतमाम के साथ और सलीके के साथ अच्छे अंदाज में उसको करना ये वाली जो तारीफ थी इसमें दीन का कोई ख़ास पहलू नहीं दे ये अमूमी तारीफ हर जगह आपको मिल जाएगी हर दीन के अंदर ये मिल सकता है हर कम्युनिटी के अंदर ये चीज़ें मिल सकती हैं हर तहजीब और कल्चर के अंदर मिल सकता है लेकिन जो दूसरी वाली तारीफ है वो थोड़ा सा ख़ास कर दिया है कि नेकियों और खैर की बुला जिसके जरिए से बुलाया जाता है और बुराइयों से और से जिसके जरिए से बचाया जाता है उसका नाम है अदब इसी को मान लोगों ने अखलाक का नाम भी दिया है अखलाक अखलाक किसको कहते हैं जो कैरेक्टर बोलते हैं ना किसको बोलते हैं हमारा बढ़ता दूसरे के साथ ये, ये कम्प्लीट नहीं है जी अच्छा तो हमारी वाली बात आप नकल कर रहे हैं जी अल्लाह किसी का मिजाज ये भी वही है अखलाक इंसान के अंदर ऐसी चीज है ऐसी क्वालिटी है जो उसको नेकी की तरफ बढ़ाती है बुराई से रोकती है खुद इंसान के अंदर ये उसमें शामिल है अखलाक हमारे अंदर ऐसी क्वालिटी हो जो हमको खैर की जानब बढ़ाए और बुराई से वो रोके तब कहा जाएगा यह अखलाक बाखलाक है अच्छे नेचर का है बोलते हैं ना एक आदमी नेकी करता है लेकिन बुराई नहीं छोड़ता बाखलाक है वो एक आदमी नेकियां नहीं कर रहा है लेकिन बुराई भी नहीं कर किसी को गाली नहीं देता बाखलाक है वो वो अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा तो कैसे बाखलाक हो सकता है हम लोग इस चीज को नापते हैं सिर्फ इंसानी हकूक तक कि अगर हमारे साथ वो अच्छा बर्ताव करता है मोहल्ले वालों के साथ अच्छा पढ़ता हो कहता है। बहुत अच्छा बाखलाक है वो नमाज नहीं पढ़ता है वो नहीं आधा मामला है इस तरह का अखलाक ढूंढेंगे तो दूसरों में मिल जाएंगे लेकिन इस्लाम के एतबार से दोनों चीजें जी अदा करें जी ऐसी क्वालिटी हो जो इनकी अदायगी करे और बुराइयों से बचे तो ये मौजू हमारा है अदब जिसका मफहोह हमने ये समझा नंबर एक कि किसी भी हुक्म पर अमल करते वक्त खसूसी अहतमाम और सलीके के साथ उसको अंजाम देना एक दूसरा जो मैंने कहा कि अदब एक ऐसी चीज है कि जिसके जरिया से लोगों को अच्छाई की दावत दी जाती है और बुराई से रोका जाता है ठीक बातें और भी हैं हम उसको छोड़ते हैं दूसरी चीज आते हैं जो हमारी किताब है उसका नाम क्या है अल अदबुलमुर ये किताब दर हकीकत जैसा कि हम जानते हैं कि इमाम बखार्ला एक मुस्तकिल किताब है इसके बारे में हमको चंद बातें जाननी बहुत ज़रूरी हैं नंबर एक कि इस किताब का असल जो नाम था इमाम बखाय रोल ने जो नाम रखा है वो किताबुल अदब रखा है किताबुल अदब यानी अदब की किताब बाद में अहले इल्म ने इसके साथ एक लफ्ज बढ़ाया है अल माम बुखारी ने क्या नाम रखा था किताबुल अदब बाद में अहले इल्म ने एक लफ्ज़ बढ़ा दिया अल मुफरज तो पूरी किताब का नाम क्या हो गया नहीं वहां से लीजिए इमाम बुखारी ने नाम रखा किताबुल अदब अहले इल्म ने जोड़ा मुफरद हो गया किताबुल हाँ फिर उसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया वो किताब इधर से हटा दिया गया अब क्या हो गया अल मुफरद सवाल यह है कि जब इमाम बुखारी मोहल्ला ने इसका नाम किताबुल अदब रखा था तो अहले अल अहलमत के इजाफा क्यों किया उसकी वजह यह है कि जब हम सही बुखारी पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी एक टॉपिक एक चैप्टर है जिसका नाम है किताबुल अदब जैसे किताब अलसलाह नमाज के से मुतालिक अहादि में आएंगी किताबुल्सा जका ज़क़ा से मुता किताबुल हज हज से ये चैप्टर का नाम वैसे ही सही बुखारी के अंदर किताबुल अदब है अठहत्तर नंबर का आ, उस किताब का नाम नंबर अठहत्तर है सेवेंटी एट तो जब इमाम बुखिए रहमोल्ला ने यह किताब किताबुल अदब लिखी और इसका नाम किताबुल अदब रखा तो लोगों को कभी कभी मुशाभत लग जाती थी कि या वो शक में पड़ जाते थे कि कौन सी किताबुल अदब की बात हो रही उस किताबुल अदब की जो सही बुखारी में अठहत्तर नंबर की है या ये मुस्तकिल जो अलग से किताब लिखी है गई है उसका उसका ज़िक्र हो रहा है तो दोनों को अलग अलग करने के लिए ताकि इस तरह की को शुबहत ना पैदा हो इसके लिए अहले इल्म ने अलमुफरत बढ़ा दिया तो अब जो है बोलते हैं अल फरत, तो मुतयन हो जाता है कि ये तस्करा हो रहा उस किताब को जिसको इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अलग से लिखा है मुस्तकिल एक किताब लिखी है ये सही बुखारी का हिस्सा नहीं है समझ गए क्यों लोगों ने अलमुफरत बढ़ा दिया बोले क्या फर्क हम्म हाँ सही बुखारी के अंदर किताबुल अदब के नाम से एक चैप्टर है और इस किताब का नाम भी किताबुल अदब है तो जब कोई कहता था कि इमाम बुखारी रहमोल्ला ने किताबुल अदब में जिक्र किया है तो लोगों को थोड़ा सा एक तरह से कंफ्यूजन होते कि इसमें का है कि इसमें का है तो उसको दूर करने के लिए कि दोनों में तमीज़ हो जाए अहले इर्म ने अलमुफरत का इजाफा कर दिया अब इससे हमें पता चल जाता है कि जब किताबुल अदब के बारे में कहा जाए किताब अल किदबालमुफरत तो उससे मुराद एक मुस्तकिल किताब है जो सही बुखारी से अलग एक किताब समझ गए जी और फिर इख्तिसार के तौर पर किताबुल किताबलदबिलुफ़रत कहते हुए थोड़ा सा लोगों के लिए दुश्वार कह लीजिए या लंबा नाम था तो उसको शार्ट कर लिया अल अलादबुलमत दोनों किताबों में फ़र्क है क्या है सही बुखारी में और अल अदबुलमफ़रत में क्योंकि दोनों को लिखने वाले एक ही हैं दोनों को मुरतब करने वाले एक ही हैं इमाम बखाय रहा तो इन दोनों में फर्क क्या है सबसे बड़ा फर्क दोनों में यह है कि इमाम बुखारी रही मुहल्ला ने सही बुखारी के लिए ख़ुसूसी अहतमाम ये किया था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ सही रवायतें रहेंगी और सेहत भी आला दर्जे के सेहत चाहिए यानी हसन दर्जे की रवायतें भी उस उसको नकल करने से आप बचें जबकि हुज्जत है वो तो सही बुखारी में सिर्फ और सिर्फ सही रवायतें आला दर्जे की सेहत के साथ इमाम बखारी रला को सिर्फ सही रवायतें एक लाख याद थी कितनी सही रवायतें और सही बुखारी के अंदर आप देखेंगे तो चार हजार रवायतें हैं बस कितनी चार हजार या बाज रवायतें यहां भी हैं यहां भी हैं यहां इस चैप्टर में भी इस चैप्टर में इस चैप्टर में भी उनको भी मिला लें तो ज्यादा ज्यादा सात हजार पांच सौ तिरसठ रवायतें सात हजार पांच सौ यानी एक लाख सही रवायतें आपको याद हैं उनमें से आपने सही बुखारी के अंदर सिर्फ कितना जिक्र किया सात हजार पाँच सौ तिरसठ रवायतें बखिया कहाँ गई वो काबिल हुज्जत हैं वही मैंने कहा कि इन्होंने एहतमाम किया कि सही बुखारी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सही रवायतें रहेंगी और भी सेहत के आला दर्जा तो बकिया जो रवायतें थी इनके उस आला दर्जे पर फिट नहीं हो रही थी इसलिए उनको इसमें दर्ज नहीं किया दूसरी किताबों में जिक्र किया तो सही बुखारी में सिर्फ सही वो भी आला दर्जे की सही रवायतें हैं और इसके अंदर सही भी हैं हसन भी हैं बजीफ रवायतें भी इसके अंदर जिक्र की गई और उन्होंने जानबूझ के उसको दिक्रे किया है इन फिर कभी वो बात तो ये दोनों एक फर्क है इसीलिए जब कहा जाता है रवाहुल बुखारी, क्या कहते हैं रवाहुल बुखारी, तो उससे मुराद क्या होता है कि इसको इमाम बुखारी रही मोहल्ला ने रवायत किया अपने सही के अंदर और जिसके बारे में कहा जाए रवााहबुखारी तो फिर उसकी सनत की तहकीक नहीं होती फौर मान लिया जाता है कि सही है लेकिन किसी और किताब में मामुखा रही ने जिक्र किया है तो उसको सिर्फ ऐसे नहीं कहा जाता रवाहुल बुखारी बल्कि उसके साथ जोड़ना पड़ता है किस किताब में जैसे इसमें कहा जाएगा रवाहुल बुखारी फिल अदब या फिल अदब मुफरद समझ गए ना यहां मुतलक रवाहुल बुखारी कह के कोई गुजर नहीं सकता यानी आपने हदीस पढ़ी है बुखारी अदबालमुफरत के अंदर इमाम बुखिए रहमुल्ल ने यहाँ भी रवायत किया सन्नत के साथ रवायत किया तो यहाँ पर पढ़ी हुई रवायत के बारे में किसी से आप ये नहीं कह सकते कि इमाम रवाबुखारी इमाम बख रह ने रवायत किया बल्कि वहां आपको लगाना पड़ेगा बुखारी फिल अदब अलमुफरत या ये कहना पड़ेगा कि इमाम बुखिए रहमुल्ला ने अदबालमफरत में जिक्र किया मुतलक तौर तो पर सिर्फ बुखारी नहीं कह सकते मुतलक तौर तो पर जब कहते हैं तो उससे मुराद सही बुखारी होता है कि इमाम बुखारी ने सही बुखारी में जिक्र किया है इसलिए वहाँ तहक़ीक की जरूरत नहीं सबको सही मानना है क्योंकि उम्मत का इजमा है कि उसमें तमाम के तमाम रवायतें सही लेकिन जब कह दिया बुखारी फिल अदबलमुफ्रद तो फिर उस रवायत को आंख बंद करके मानना नहीं है फिर उसकी तहकीक की जाएगी यानी अमल करने से पहले उसकी सनत को चेक किया जाएगा जब सही है तब अमल वरना नहीं समझ गए ना यानी सिर्फ इमाम बुखारी के नाम से कोई रवायत सही नहीं होती बल्कि इमाम बुखारी की वही रवायतें बगैर सोचे समझे काबिल क़बूल है जो सही बुखारी के अंदर बकिया और किताबें उनकी हैं उसमें भी उन्होंने रवायतें दिक्र की हैं सनत के साथ दिक्र की हैं लेकिन उस उसकी तहकी, तहकी लाजमी ये बुनियादी फ़र्क है उसके अलावा हदीस की तादाद वगैरह का भी फर्क है सही बखारे के अंदर और भी मौजुआत पर अकीदे से बहते भी मिलेंगी आपको फिर मसाइल बहुत सारे मिलेंगे वो तमाम चीजें मिलेंगी लेकिन इस किताब के अंदर सिर्फ अदब से ताल्लुक रखने वाली बातें ही मिलेंगी इसके बाद ये दो चीजें हो गई तारुफ के नाम पर पहला हमारा जो टॉपिक है उसका तारुफ उनवान अल अदब का और दूसरा किताब का तारुफ तीसरी चीज है वो इमाम बुखार मुअल्लिफ़े किताब का तारुफ जिन्होंने इस किताब को लिखा है उनका तारुफ इमाम बखार रहमोल्ला के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कुछ जानते हैं सुनते हैं जानते हैं ना क्या जानते हैं जी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने सुन रखे हैं थोड़ा सा मन्ब अंदाज़ में चंद बातें मैं आपके सामने उनके सिलसिले में रखना चाहता हूँ इमाम का जो मकाम जो मरतबा फ़न हदीस में है वो किसी और को हासिल नहीं हुआ इसी, इसी आप को इसी लिए आपको इमामुमुहदीन कहा जाता है और आपकी किताब को जो रुतबा मिला किसी और किताब को नहीं मिला इंसानों ने जिसको मुरतब किया किसी किताब को रुतबा नहीं मिला इस बुनियाद पर पूरी दुनिया के अंदर आपकी आपके दौर से लेकर के आज तक और इन आइंदा भी आपका जिक्र खैर तमाम लोग करते हैं सिवाए चंद लोगों के सारे लोग बड़े एहतराम से आपका नाम लेते हैं बड़े अदब के साथ आपका तस्करा करते हैं और आपकी जो कोशिश ये है सही बुखारी को मुरतब करने का उसकी कदर करते हैं और उससे इस्ता करते हैं ये अजीम कारनामा आपका है कि जिसकी वजह से दुनिया में भी अल्लाह आलमीन ने आपको शहरत और निकनामी अता फ़रमाई और आखरत में तो इन शह इससे बेहतर आपके हक में अल्लाह फैसला करने वाला है इमाम बखम्ह का जो नाम है अबू अब्दुल्ला उनकी कुत है महमद बिन इसमाइल बिन इब्राहिम बिन मुगैरा बिन बर दिब बर दिजब محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن ابراهيم بن مغيره بن بردزبا البخاري يابك نعم محمد ابك نعم هو اسماعيل ابك والدك نام هو دادا ابراهيم برددا مغيره यही मुगीरा हैं जो जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था पहले ये लोग मजूसी थे आग की पूजा करने वाले थे एक यमान अल अलफ़ी नाम के शख्स थे यमान अल अलफ़ी उनके हाथ पर इनके परदादा मुगीरा इस्लाम कबूल किए और अपने आप को जैसा एक तरीका था कि जिसके हाथ पर लोग इस्लाम कबूल करते थे उसकी जानब नस्बत भी रखते थे तो वो अपने आप को जोफ़ी कहने लगे थे जोफ़ी कहने लगे थे इमाम मुखर मोहल्ला, जब तक मारूफ नहीं थे तो आपकी भी जब एक शनाख्तें हुई उससे पहले जोफ़ी आपके नाम के सामने लिखा जाता तो वजह वही थी कि हमारे परदादा ने यमान अल जोफी के नाम के, के हाथ पर ईमान कबूल किया ईमान ले आए लेकिन जब आपकी शोहरत हुई तो बुखारी के नाम से क्यों क्योंकि आपकी पैदाइश एक शहर बुखारा में हुई और बुखारा कहाँ वाक है आज जो ओजिबिकस्तान उज, आ? क्या? मुझसे ही नहीं हो रहा है उज़्बेकिस्तान, जी उज्बेकिस्तान उस, उस शहर उस कंट्री का आज भी ये हिस्सा है बुखारा वहीं पर इमाम बुखारी रहम्ला की वलादत हुई और उसी से आप उस जानिब नस्बत करते हुए अपने आप को बुखारी आपने लिखा ये इलाका अरब में आता है कि या अजम में अजम नहीं पता ये चला कि ये दीन और दीन की खिदमत सिर्फ अरबों के लिए ख़ास नहीं है कि जो मक्का में पैदा हो वही ये काम करेगा वही हक़ पर होगा नहीं अल्लाह ताला अपने ये काम जब तारीख़ हम देखते हैं तो अरबों से ज़्यादा अजमियों से काम लिया बड़े बड़े मुहद्दिसीन अब देखेंगे सब जो है अजमी एक दो को छोड़ करके जो जो काफी फेमस हुए इनकी विलादत जो हुई है तेरा शवाल एक सौ चौरानबे हिजरी एक सौ वन नाइन्टी फोर हिजरी जुमा के दिन आपकी विलादत होती है बचपन ही में वालिद के इंतकाल हो गया था इनके वालिद का क्या नाम था इस्माइल हाँ बचपन ही में वालिद के इंतकाल हो गया आपकी परवरिश आपकी वालदा ने किया है बहुत नेक खातून थी कहते हैं बच्चों की तरबियत में सबसे बड़ा किरदार माँ का हुआ करता है बहुत फिक्रमंद रहा करती थी अपने बच्चों को लेकर के दूसरी चीज इनके वाल मोहतरम इंतकाल के वक्त बहुत सारा माल छोड़ गए थे ताजिर आदमी थे कमाल ये नहीं है कि माल छोड़ गए थे कमाल यह है कि उन्होंने आखिरी वक्त एक जुमला कहा था कि ला आलम फी माली दरहमन मिन हरा वाला शुभ इतना सारा माल है मैं नहीं जानता कि इसके अंदर एक दिरहम भी हराम का हो या ऐसा दिरहम जिसमें शको शुभ हो हलाल कमाई की बड़ी तासीर होती औलाद की तरबियत में इमाम बख रह की तमाम तरफ़नतें और आपकी तरबियत में बहुत सारी कोशिशें हैं लेकिन मैं इन दो चीज़ों को मुकदम रखता हूँ नेक साल वालदा मोहतरमा और दूसरा माल हलाल जिसकी तखीर पूरी जिंदगी में नज़र आती गुजार वालदा थी खातून थी बचपन में आपकी बीनाई चली गई थी ये मश वाक़ा बड़ा मशहूर है तारीख़ बगदाद वगैरह के अंदर कि बचपन में आपकी बीनाई चली गई थी रोशन यानी नहीं, नहीं इसमा मोहम्मद बिन इसमाइल इमाम बख रहा तो बहुत दुआ क्या करती थी एक रात ख्वाब देखती हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाब में आपसे कह रहे हैं। ही की बसर बी कसरती और आपके आप बेटे की बसारत को लौटा दिया है बीनाई को लौटा दिया है जी इब्राहिम अलरातल कि वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आपके बेटे की बसारत को बिनाई को लौटा दिया है आपकी कसरत दुआ और बहुत ज्यादा अल्लाह के सामने रोने की वजह से सुबह होती है वाकयाता बसरा अल्लाह ताला ने आपकी बिनाई को लौटा दिया था। और बहुत सारी चीजें इस हवाले से कही जाती हैं ऐसा था वैसा था वगैरह तफसर से हट करके ये एक वाक्य पता ये चला दुआ में बड़ी ताकत है जो नामुमकिन को बज़ाहिर नामुमकिन को मुमकिन बना सकती क्योंकि उसमें क्या होता है अल्लाह से किसी चीज की दरख्वास्त की जाती है दुआ में कि किसी और से अल्लाह से ना इधर उधर नहीं हाँ इधर उधर नहीं तो उस जा से हमारा ताल्लुक हो जाता है जो इन अल्लाह कुल्ली जो हर चीज पर खादिर है बिनाई छीनने पर भी है बिनाई देने पर भी है वो चाहे तो पत्थर दौड़ने लगता है, है ना वाक याद आ गया वो चाहे तो पानी बहने वाला जम सकता है याद आया वो चाहे तो आग को ठंडी कर दे याद आया इन अल्लाह अला कुल् लिशय इन क़दीर तो बिन आई भी वापस कर सकता है वो और दूसरा ये कि अल्लाह को जब अपना काम किसी से लेता लेना रहता है अगर फिक्र हमारे अंदर है तो अस्बाब अल्लाह फराहम कर देता है नियत हमारी है तो अल्लाह अस्बाब फराहम कर देता है कि वो काम हम कर सकें इमाम बुखारी रहमहुल्लाहु ने اولا अपने शहर बुखारा में अहले इल्मे से बड़े बड़े से आपने इल्म हासिल किया उसके बाद आप वहाँ से निकल करके मक्का आए हज के लिए अपने वालिदा और अपने भाई के साथ और हज के बाद कहे कि मैं नहीं जाऊंगा वालिदा भाई के साथ वापस हो गई ये वहीं रुक गए और वहाँ के उल्मा से, मदीना उलमा से शाम उलमा से और दिगर अहल में से इस्तेफादा करने लगे हदीसें हासिल करने लगे इमाम बुखारी रही ने अपने आसाजा की जो तादाद बदलाई है वो कितनी हो सकती है जी एक लाख एक हज़ार अस्सी एक हज़ार तो ये कम है बहुत ज़्यादा है यानी इतने से इतने लोगों से आपने हदीसें लिखी हैं हदीस पढ़ा इतने लोगों से हमारी इल्म के हवाले से इतने लोगों से आज तक शायद मुलाकात भी नहीं हुई यानी इतने उलमा से मिले नहीं शायद तो वो में कहते हैं कि वो सही वक़ीदा थे, थे। यानी एक चीज ये सामने आई कि सब से इल्म नहीं लेते थे इल्म लेने से पहले अकीदा मनहज की तहकीक भी थी तो बहरहाल इतने लोगों से आपने इल्म हासिल किया कितनी हदीसें मैं बहुत सारी चीज़ें छोड़ के मैं आगे बढ़ क्योंकि ये असल टॉपिक हमारा नहीं है असल लेकिन जानना जरूरी ये चीज हमें जो एक तरीके से उभारती है कि हम भी कुछ करें है ना कभी कभी सनीचर को इतवार को चले आया करें है ना सही क्योंकि ये इतने उनके घर पे नहीं आए थे या उनके मोहल्ले में नहीं रहते थे सब बुखारा के नहीं थे जितने बुखारा के थे वहां से आपने इल में हासिल उसके बाद हसूल इल्म के लिए आपने सफ़र किया जैसा कि मैंने कहा कि मक़दल मक्रमा हज करने की नीयत से आए फिर वापस नहीं गए वालदा को भाई के साथ वापस भेज दिए और फिर आप घूम करके मक्का है मदीना है शाम है राग बसरा जहाँ भी हो सका अरब के इलाके में जो बड़े बड़े मशाइ हैं उनसे आपने इल्म हासिल किया हुँ? हुँ? जी उस वक्त इनकी उम्र ज्यादा ज्यादा सोलह साल थी जब ये सफर या सत सोलह से बीस साल की उम्र में ये सब सफ़र शुरू हुआ बहुत सारे मशाइ हैं और आपके तलामजा की तादाद बेशुमारे एक एक-एक मजलिस में लाख लोग बैठते थे कितने लाख क्या करने यही हदीस पढ़ने के लिए बीस हजार का मजमा है एक लाख का मजमा है हाँ जब आप पढ़ाने के लायक हुए मसरद दर से भी जब आप बैठे तो मुख्तलिफ वाकयात मिलते हैं बगदाद में आप एक मजलिस में थे तो बीस हजार लोग बैठे थे दर्श देते थे हदीसें लोग सुनते थे तो जितने लोग हदीस आपसे पढ़ने आपके शागिर्द हो रहे हैं तो बगदाद में मजलिस लगी तो वहाँ पर बीस हजार लोग आप से हदीसें लिख रहे थे आप बोलते थे हदीस पढ़ने पढ़ने का तरीका यही था कि मदद के पास जो हदीसें हैं अपनी सनत के साथ बयान करता था कि मैंने अपने उस्ताद से सुना उन्होंने अपने उस्ताद से सुना उन्होंने अपने उस्ताद से सुना उन्होंने फ़ना सहाबी से उन्होंने अल्लाह के नबी से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया तो लिखने वाले लिखते थे कि मैंने इसको इमाम बुखारी से सुना इमाम बखारी नबी उ सनत इस एतबार से लोग हदीसें लिखते थे तो बगदाद में एक ही मजलिस में बीस हजार लोग लिख रहे हैं ऐसे ही एक और मजलिस है जिसमें सही बुखारी जो आपकी सही बुखारी उसको तकरीबन नब्बे हजार लोगों ने आपसे जमा किया है नब्बे सही बुखारी जिसके बारे में दिख रहा आया कि सात हजार सौ तिरसठ रवायतें जिसके अंदर हैं नब्बे हजार लोगों ने आपसे उसको समा किया और तीन ऐसे खुशनसीब हैं जिनको इमाम बख रहल्लाह ने इमला करवाया लिखवाया बाकी लोग अपना बहरहाल इमाम मुसीम रह भी उन्हीं लोगों में से हैं जिनको जो जो आपके शागिर्द करार पाए कब तक घंटी भाई यमान अलजुआफ़ी जोफ़ी इमाम बख रहा का हदीस मुरतब करने का जो तरीका था तहकीक का जो तरीका था और लिखने का जो तरीक़ा था एक तरफ किसी चीज़ को लेने से पहले बहुत और फिक्र पूरी तहकीक के बाद लेते थे और दूसरी तरफ लिखने से पहले दो रकात नमाज सही बुखारी के लिए ख़ास तौर से कि जब उसमें कोई हदीस नकल करते थे दो रकात नमाज पढ़ने के बाद फिर उसको लिखो दुआ वगैरह आलम अगर उस का नाम दें तो दिया जा सकता है कि मैंने तहक़ीक कर लिया है सही मेरे अबार से है अब मैं लिखने जा रहा हूँ आलम अगर अहिल ने कहा है तो अलग बात तो लिखने से पहले दो रकात नमाज इसी लिए मामुख ने किसी रावी के बारे में कह दिया ये सही हैं तो अहिल ने फौरन मान लिया कि ये सही हैं से हैं और दूसरी तरफ किसी के बारे में हुक्म लगाया कि ये गैर सिका है तो लोगों ने कहा कि आपका फैसला इंसाफ पर मबनी है किसी के साथ आपने जुल्म नहीं कि आप कर, किया कि बेवजह उनको गैर करार देते थे इतना अहतमाम आप करते थे बल्कि बाद लोगों ने तो यहाँ कहा यहाँ तक कहा कि हर रावी की तहकीक से पहले दुराकात नमाज पढ़ते अल्लाह जब इतना अहतमाम है तो जाहिर से बात है फिर आप किसी के बारे में सही या गलत लिखते वक्त तो जर्र बराबर ना तो गुलों से काम ले सकते हैं ना ही जुल्म के ना इंसाफी से काम ले सकते हैं आपका हिफ्ज़ याददाश ऐसा हिफ्ज़, यानी इसको कहते हैं कि एक मोजज़ा है कि आम तौर पर इस तरह का हाफजा नहीं हुआ करता बला की जहानत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दी और उसका आपने सही इस्तेमाल किया उन्हीं का उन्हीं का कौल है कि मुझे एक लाख सही हदीसें याद हैं और व अह फ्फ हदीफ गैर सही और दो लाख ऐसी रवायतें याद हैं जो सही नहीं हैं कितनी हो गई तीन लाख रवायतें इन्हें याद हैं और इतना अजबर हैं कि ये सही है ये गैर सही यहाँ हम चार हदीसें याद करते हैं तो इधर से उधर हो जाते हैं अल्फाज इधर से उधर भागने लगते हैं और सनत तो शायद अभी तक हमने याद नहीं किया हाँ हिफ हदीस में वो पूछ ले रावी का नाम याद करना जरूरी है क्या और जब हिफ हदीस की बात आती है तो लफ्ज कैसा सुना है वैसा एक माना है इस लफ्ज से भी अदा हो सकता है इस लफ्ज से भी अदा हो सकता है लेकिन माना क्या अदायगी नहीं है वो उस्ताद ने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया है वो भी होना चाहिए जैसे आप कुरान या करते जबर जेब का ख्याल रखते हैं वैसे हदीस के अंदर अल्फाज की रियायत यही होना चाहिए जबकि माना दूसरे भी अदा हो जा रहा है हम लोग एग्जाम याद करते हैं तो याद तो कुछ किए लेकिन लिखना है आपने जहन से माना हो जा रहा है तो सही है लेकिन हिफे हदीस में नहीं चलता हदीस के अल्फाज आप नकल करेंगे तो वही नकल करें जो आपने सुना है इसीलिए बहुत सारे आप देखेंगे को वो हदीस बयान करने के बाद एक जुमला फरमाते हैं औ कमा खालन नबी वसल्लम क्या मतलब होता है कि मैंने तो बयान कर दिया है ये अल्फाज या फिर वो जो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया अगर मुझसे गलती हो इस तरीके का लफ इस्तेमाल करके एहतियात का यह पहलू उनके अंदर होता है तो हदीस का मामला तो उस तरीके से इनको कि कौन से उस्ताद ने कौन सी रवायत किन अल्फाज के साथ जिक्र की हैं, सनत के साथ तीन लाख हदीसें याद थी जिसमें से एक लाख सही और दो लाख गैर सही और इन्हीं का कौल है अन अल्फ़ शेख़ व अक्सर मैंने एक हदा एक हज़ार से ज़्यादा इस हदीसें मैंने लिखी हैं और अनकुल व अक्सर और उनमें से अक्सर महत इस से कम अज़ कम दस दस हज़ार रवायतें लिखी हैं कितनी दस दस हज़ार आप ज़रा सा कैलकुलेट कर लीजिए एक हजार उस्ताद से हर उस्ताद से दस हजार रवायतें आपने ली ठीक है और मा इंदी इल्ला हदीफ उन मेरे पास कोई रवायत नहीं है लेकिन मैं उसकी सनद जिक्र करता हूं तो वो तीन लाख रवायतें तो वो हैं जो इनको याद हैं बक़िया हर उस्ताद से जो दस दस हजार लिखी हैं वो महफूज हैं इनके पास लिखी हुई हैं तो कितना इनके पास इल्मी का ज़ख़ीरा था हदीस का मोहम्मद बिन अबी अब हातिमलवर्राक कहते है कि हाशिद हैं कि समय तो हाशद बिन इस्माइल व आखिर यकूला एक मुहद्दिस हैं जो इनके साथियों में से इमाम बख्या रहमुल्ल् के उनका नाम था हाशिद बिन इसमाइल और एक और साथी जिनका यहाँ तस्करा नहीं तो वो दो लोग और इमाम बख्या रहमुल्ल उनके साथ कहते हैं बसरा के मशाइ के पास हम लोग घूम घूम करके इल्म हासिल करते थे कभी इस शेख के पास से इनसे इल्म हासिल किया कभी इस शेख के पास से इनमें हासिल कभी इस शेख के पास इनमें हासिल पास इन हास। तो बकिया जो दो लोग थे वो लोग लिखा करते जो भी सुनते लिखते थे इमाम बखाई रही मुला नहीं लिखते थे कहते बहु व गुलाम ये छोटे से थे फला या तो बहत अलाम ये लिखते नहीं थे यहाँ तक तो मामला या फकुन्ना नकुल का तख्तलिफ माना वाला तक तुम कि आप हमारे सामने घूमते तो हैं इनके पास जा रहे उनके पास जा रहे उनके पास जा रहे लेकिन लिखते नहीं हैं जैसे आप है ना हाँ नहीं लिखते सुनते हैं तो उन लोगों को लगता था कि जब आप लिखते नहीं है तो यहां वहां घूमने की क्या जरूरत है उससे मिलेगा क्या उनको लगता था कि जो आ, आते जाते हैं सब वक्त का जिया है इससे कोई फायदा नहीं तो इसलिए वो लोग एक तरह से तंबी करना चाह रहे थे कि हमारे साथ आते जाते तो हैं आप लेकिन लिखते नहीं फमा तस्नो क्या करोगे तुम उन्होंने कहा फ़ाल यौमन योमन, योमन सोलह दिन के बाद उन्होंने एक बात कही इन नकुमा कद अक्सर तुम अलिया वाल, अल, अल, अलह तुमा। कि तुम लोग बार बार मुझको डांटते हो डपटते हो तंबी करते हो फुमा जो कुछ तुम लोगों ने लिखा वो पेश करो लिहाजा कहते हैं حاشد بن اسماعيل فأخرجنا إليه ما كان عندنا جو کچھ ہمارے پاس تھا هم لوگوں نے پیش کیا فزاد على خمسة عشر ألف حديثا روايتين كتني تي پندرہ ہزار روايتين كتني پندرہ ہزار روايتين تي کہتے ہیں ہم لوگوں نے لکھا تھا امام بخاری رحمه الله نفقرأها كلها عن ظهر قلب زبانی سب سنا हत्ता जअलना नुहकिमु कुतुबना मिन हिफ्ज़िही यहाँ तक जब मामला ये पहुँच गया कि इनको एकदम सही याद है तब हम लोग अपनी कॉपी इनसे चेक कराते थे कि अगर हमसे लिखने में कुछ गलती हो गई हो तो इनसे पूछते थे कि ये रवायत कैसी जो वो पढ़ते थे वो हम सही कर लेते थे अल्लाह ताला ने फिर मकाल फिर कहा जाता अख्तलीफ हदरन अमी तुम लोग सोचते हो कि मैं फजूल में घूमता रहता हूँ अपना वक्त ज़ाय कर रहा हूं उसके बाद हम लोगों ने जान लिया कि इनके मुकाबले में कोई नहीं है अल्लाह ने जहानत दी थी मुरजा ये मर्जा है अल्लाह ने जहानत दी लेकिन उसका सही इस्तेमाल कर रहे थे कमाल इनका ये नहीं कि अल्लाह ने इनको जहानत दी कमाल ये है कि उसका सही इस्तेमाल किया वरना इसमें कम जहीन तलबा तो ना बैठे होंगे है ना या आप जहाँ भी पढ़ते होंगे मोहल्ले में बहुत सारे लोग हैं का अपने क़वत हिफे का सही इस्तेमाल नहीं दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल करते ऐसे ही इमाम बखार गदाद तब तशरीफ लाए तो होता है ना हर दौर में कुछ लोग होते हैं जिन्हें किसी को आगे बढ़ता हुआ देखते हुए अजीब सा लगता है एक तो ये अजीब सा लगता है अजीब सा मतलब समझ गए दूसरा ये होता है कि ताज्जुब की बात हुआ करती है ऐसा ऐसा सुना है इनके बारे में लाओ चेक करते हैं यानी एक तो ये होता है कि हसद वगैरह है ताकि इनको जेर कर सकें इनको बता सकें कि जो मशहूर ऐसे नहीं है दूसरा ये होता है कि सुना है तो लगता है कि लाओ चेक करें सही है क्या उनको हसद नहीं होता बहरहाल वो कैसे भी थे चंद लोग जमा हो गए ऐसे लोग जो जिनका ताल्लुक हदीस से था तलब हदीस हदीस के तलबा थे तो उन लोगों ने चाह कि इनका इम्तिहान लें और उन लोगों ने क्या किया सौ हदीसें ली और उसको दस दस हदीसें लोगों ने बांट ली और इसकी सनत इसके साथ इसके सनद इसके साथ इसकी सनद इसके साथ इन अलट पलट समझ गए एक रवायत अब्दुल्ला से थी एक रवायत उमर से थी तो अब्दुल्ला वाली उमर उमर वाली अब्दुल्ला के साथ यानी सनत को खलत मलत कर दिया और उसके बाद आगे बढ़े एक एक बढ़ता था दस दस रवायतें पेश करता था ودفعوا إلى كل واحد عشر أحاديث ليلقوها على البخاري في المجلس فاجتمع الناس وانتدب أحدهم فسأل البخاري عن حديث من عشر فقال لا أعرفه ودس بيش کرتے سننے کے بعد في دوسرا آتا ودس سبيش کرتا کہتے لا أعرفه میں نہیں جانتا ایسے ہی جتنے لوگوں نے پیش کیا سو کے, سو روایتوں کے بارے ला आरिफू मैं नहीं जानता अब वहां मजमा था तो जो समझदार लोग थे उन्होंने भाप लिया कि आदमी समझ गया है और जो ना समझ थे उन्होंने समझ लिया कि इनको कुछ नहीं आता फिर इमाम मुखाइर सब की बितर थी फलमा अलीम लोग बैठे तो जिन्होंने सबसे पहले दस रवायतें पेश की थी उनसे मुखातब रवायत पेश की है इस इस तरीके से पेश की पहले गलत पेश करके बताया फिर कहा कि रवायत ऐसी है फिर दस दूसरे को मुखातब हुए कि आपने जो दस रवायतें पेश की हैं वो आपने ऐसे पेश की हैं, लेकिन सही ये इस तरीके से सौ के सौ रवायतों को पहले आपने गलत पढ़ के बताया फिर सही करके दिखलाया ला आरिफों का मतलब ये था इसमें एक है कि जो सही को सही पेश कर दिए इसमें भी ज्यादा कमाल नहीं कमाल तो है कि भाई जो हमने रट रखा उसको सही से पेश कर लेंगे। कमाल यह है कि उस मौके पर किसी ने गलत करके पेश किया था और मलिश जब मुकम्मल हो गई सौ रवायतें पेश की जा चुकी तब आपने उस गलत रवायत को गलत एतबार से पेश किया कि आपने ऐसा कहा था उसको रटने का मौका मिला था नहीं ना वो एक बार पेश किए थे बस ये थी मां मुख्या रहमुल्ला और आपका कुत हाफजा आपके जहानत से ऐसे ही और सुनाए मजा आ रहा है यकीनन मजा आता खुशी होती कि ये हमारे असलाफ हैं कि इनसे हम किसी ना किसी तरीके से जुड़े रहते हैं और दीन जो पहुंचा है हम तक ऐसे लोगों के जरिए से पहुंचा है तो जिसके सही तौर से पहुंचने में फिर व शुबा नहीं रहता लोग बातें चाहे जितनी बना लें एक इमाम बुखारी पेश करके दिखा दें दावे के तो बहुत सारी चीजें अलहमदुल्ल अपने पास है तो खड़ा कर दीजिए कुरान गायब कर दीजिए एक नुकते का फर्क नहीं होगा ये फख्र की बात अलहमदुल्ला हमको वो दिन मिला है लोग कहते हैं हदीस ऐसी है वैसी है लाओ एक इमाम बुखारी जैसा इतनी छान फटक करने वाला इतना याद रखने वाला यकीनन ये सब सुन के हमें फ़ख्र होता है मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा इमाम बखार र्ल के दौर में बहुत सारे फितने थे अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन ये अल्लाह आलमीन ने आपको साबित कदम रखा इमाम बखा रहमोल्लह की वफ़ात का जो मामला है वो भी ज़रा सा वफात से पहले का एक वाक ये दोबारा लौट करके अपने शहर बुखारा आते हैं निसाबुर में थे निसाबुर किसका इलाका है इमाम मुस्लिम रोल्लाक वहाँ भी रहे फिर उसके बाद बुखारा जब तशरीफ़ लाए तो लोगों ने आपका इस्तेबाल किया बड़े जोश व फरोश के साथ कि हमारे इमाम आ गए और बड़ी इज्जत मिली उसी बीच में जो वहाँ का हाकिम था अमीर खालिद बिन अहमद अल उसने आपसे एक मुतालबा किया कि आप मेरे घर पर आकर के जो भी उनके महल रहा होगा जो भी रहा होगा यहाँ आ के जो आप जामे है, जामे तारीख, आपकी जामे हैं यानी जाम सही और तारीख़ आपकी तारीख़ी भी किताब है दोनों को मेरे औलाद को पढ़ा दीजिए मेरे बच्चों को पढ़ा दीजिए समतना नहीं मैं आ नहीं सकता दूसरा मुतालबा, काशिद के जरिया से अच्छा ठीक है आप यहाँ आके नहीं पढ़ा सकते तो मेरे बच्चों के लिए अलग से मजलिस मुनाकिद कीजिए कि उसमें कोई और न फमतना ना कासिद को इन्होंने ये कह के भेज दिया कि अनल अदुलुल इल्म मैं इल्म को रुस्वा नहीं कर सकता वला अहमिलुहु इला अब्वाब अन्नास उसको लो ले करके लोगों के दरवाजे दरवाजे भटकना नहीं चाहता फ इन कानत लक इलैय इलाशन हो जा अगर तुम्हें इस इल्म में से कुछ भी ज़रूरत है फहदुरफ़ी मस्जिदी तो फला मस्जिद में मेरे मस्जिद में हाजिर होंफ़ी दारी मेरे घर पर हाजिर हों अगर आप कुछ कुछ हासिल करना है ताकि जैसा मजमा लगता है लोग हदीस पढ़ते हैं आप भी पढ़ लीजिए और अगर आपको ये बात पसंद नहीं है फ्न का सुल्तान आप तो हाकिमे वक्त हैं, मुझको आप मजलिस से रोक सकते हैं दरअस के मल्लिस से आप रोकना चाहें रोक सकते हैं, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ ताकि क्यामत के दिन अल्लाह आलमीन के पास मेरे मेरे लिए एक उजरे हो कि ये कह सकूँ कि मैंने इल्म को छुपाया नहीं ना उसको खास किया है फला के लिए फ वह आम है मस्जिद में दर्श हो रहा है लोग इस्तेफा कर रहे हैं ये इन्होंने एक जुंडा जो फरमाया कि मैं इल्म को रसुवा नहीं करना चाहता अगर आपको जरूरत है तो आइए पता यह चला कि इल्म किसी के पास नहीं जाएगा इल्म हासिल करना है तो अहले इल्म के पास आइए ये बहुत बड़ी बात थी

आपको शहर बदर कर दिया बुखारा से आपको निकाल दिया तो इलम को दरवाजे दरवाजे लेके भटकना नहीं चाहिए फला है फला है फला है भाई आप ठीक हो अपने मकाम पर हो लेकिन ये दीनी इल्म है जब इसकी अहमियत आप महसूस करोगे तब आप इसको हासिल करोगे अहमियत नहीं मालूम तो लोग आपके दरवाजे पे जाएंगे फिर भी नहीं हासिल कर सकोगे और यही मामला है यही मामला है कि लोग घर पे बुलवा कर पढ़वाना चाहते हैं और बच्चे हासिल नहीं कर पाते वही बच्चे मस्जिद में जाके इल्म करते हैं उनको इल्म आ जाता है आप मुशाहिदा किए होंगे वरना बेचारे हाफिज़ साहब जाते हैं बिल बजाते हैं आज बच्चे नहीं हैं वहीं से वापस यानी इतनी बेगैरती है कि पहले से भी इत्तला करना गवारा नहीं समझते कि पहले से बता दें ताकि उनको परेशान ना होना पड़े तो जब इल्म की कदर होगी तब इल्म हासिल होता है जब उस चीज़ की अहमियत ही नहीं है तो इल्म हासिल नहीं हो सकता है तो उसकी अहमियत के लिए उन्होंने कहा कि इल्म को मैं रुसवा नहीं करना चाहता अगर आपको इसमें से कुछ जरूरत महसूस हो रही है तो आइए मेरे मस्जिद में दर्श होता है वहां से आप इल्म हासिल कीजिए। आप कौन हैं पता नहीं लेकिन मस्जिद में सब बराबर हैं। इल्म के, के लिए उनके अंदर भी तड़प है और आपके अंदर भी तड़प है इस एतबार से आप बराबर हो और यही तड़प आपको इल्म के हसूल पर आमादा कर सकती है आप छोटे हैं या बड़े हैं ये चीज़ आपको ऊसूल इल्म के लिए आमादा नहीं कर सकते लिहाजा वहाँ से आप समरकंद चले आए और वहीं आपने क़याम फरमाया चंदे आपके रिश्तेदार वग़ैरह वहाँ थे और फिर अल्लाह आलमीन ने आपको वहीं वफात दी बहरहाल ये चंद बातें इमाम बखे रहमल के हवाले से मैंने रखी हैं और इसलिए ताकि ये पता चले कि जो किताब हम पढ़ने जा रहे हैं उसके लिखने वाले मुरतब करने वाले कौन उन्होंने इसको कितनी उनकी निगाह में इसकी कितनी अहमियत रही होगी इस तरह के टॉपिक को इकट्ठा किया जाए तब जाकर के इतने बड़े आलिम दीन ने ये काम किया है और आज हमारे सामने है तो हम इस एतबार से ना पढ़ें कि एक सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं एक किताब हम पढ़ रहे हैं बल्कि इस एतबार से देखें कि इसको किन्ों ने किया है उम्मत की क्या जरूरत उन्होंने इसमें महसूस की कि इसके लिए वो इसको मुरतब करने पर आमादा हुए इंशाल्लाह कल से इस किताब का हम लोग आगाज करें किताब का नाम क्या है किताबुल अदबिल लेकिन शार्ट में क्या बोलते हैं अल अदबुल मुफरत इमाम बुखारी ने क्या नाम रखा था अदबुल। किताबुल अदब جزاك الله خير بارك الله فيك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته